नमस्कारा, हे गिदिरा, डोंट अंडर एस्टिमेट द बॉस। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर की अपकमिंग मूवी रॉबर्ट के बारे में। और मैं उन हिंदी रिव्यूअर्स में से एक हूँ जिन्होंने रॉबर्ट मूवी को स्टार्टिंग से सपोर्ट किया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये स्क्रीनशॉट देख लो, ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसमें से 3 वीडियो को कॉपीराइट क्लेम भी मिल चुका है। साले वो जो म्यूजिक स्टूडियोज होते हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग जब यूट्यूबर्स किसी मूवी सॉन्ग का अगर रिएक्शन दे रहे तो बहुत अच्छी बात है, उस पर्टिकुलर मूवी का प्रमोशन भी हो जाता है और साथ साथ थोड़ा बहुत हम लोग को भी अर्निंग हो जाती है। लेकिन यार साले कॉपीराइट क्लेम बेच के पूरा आपका गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल मैं अपने कॉपीराइट क्लेम पर ये वीडियो नहीं बनाया, मैं वीडियो बनाया रॉबर्ट मूवी के ऊपर, जो कि हमें 11th मार्च 2021 यानी कि नेक्स्ट मंथ देखने को मिल जाएगी। ये मूवी सिर्फ कन्नड़ा और तेलुगु, ये दो ही लैंग्वेज में रिलीज होगी। और तेलुगु ऑडियंस के लिए एक गुड न्यूज़ है कि भाई कल यानी कि 3 फरवरी को शाम को 4:05 पे इसका आपको टीज़र देखने को मिलेगा तेलुगु वर्जन का, जिसके लिए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप लोग इसके कन्नड़ वर्जन के टीज़र देखोगे जिस पर मैंने ऑलरेडी रिएक्शन दिया था। यार मूवी श्योर एक मास एंटरटेनिंग मूवी है जहाँ पर आपको गजब के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। एक एक्शन सीक्वेंस तो ऐसा है जहाँ पर आपको ऐसा फील आएगा कि हम लोग हॉलीवुड की एक मूवी रिलीज हुई थी मैडमैक्स वो देख रहे हैं। मतलब एकदम थीम उसी तरह से सिमिलर लिया गया। चैलेंजिंग स्टार दर्शन हमें एक ज़बरदस्त बाइक पर नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पर एक्शन कोरियोग्राफ किया ना, वो तो भाई पर्दे पर देखकर बहुत मजा आने वाला है। एक मूवी टिकट में अगर हमें चैलेंजिंग स्टार दर्शन अलग अलग रोल्स में नजर आए तो समझ लो कि पैसा 100% वसूल हो जाएगा। उसके अलावा मूवी के सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, बीजीएम बहुत अच्छा है। और आप लोग कह सकते हो कि 2021 में जितनी कन्नड़ा मूवीज रिलीज होने वाली जो बिग बजट की है तो उसमें से एक है ये रॉबर्ट मूवी, जिसके ऊपर ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे। स्पेशली जो हिंदी यूट्यूबर्स है, अगर आप लोग उनको देखोगे तो वो सिर्फ KGF चैप्टर 2 या डे बिफोर यस्टरडे किच्चा सुधीर सर की अपकमिंग मूवी विक्रांत रोना का स्नेक पिक और टाइटल लोगो लॉन्च हुआ तो उस पर बात करें, लेकिन ना के बराबर जो हिंदी यूट्यूबर्स है वो लोग इस पर्टिकुलर मूवी रॉबर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके पीछे का वजह ये है कि भाई पॉलिटिक्स, जो हिंदी यूट्यूबर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ व्यूज और पैसा दिखता है और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर हम लोग इस पर एक वीडियो बनाएंगे, अपने 2-3 मिनट दे देंगे तो हमारे को व्यूज़ नहीं मिलेंगे और वो हमारी जो अर्निंग है वो अर्निंग बनेगी नहीं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते, वो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का सलमान खान है। अगर चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर की फैन फॉलोइंग देखना तो भाई कर्नाटक का जाओ। और मैंने ये तक भी सुना है कि डी बॉस की मूवी जब भी कभी रिलीज़ होती तो उसके सामने कोई भी मूवी हो वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है या वो उतना बिजनेस नहीं कर पाती जितना करना चाहिए। तो ये है पावर ऑफ डी बॉस। मेरे इस पर्टिकुलर मूवी को सपोर्ट करने की वजह पहले तो ये है कि मूवी का कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि जो एक मास ऑडियंस को जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आपको उस मूवी में डेफिनेटली देखने मिलेगी। और दूसरा रीज़न ये है कि भाई चैलेंजिंग स्टार दर्शन की मैंने कुछ मूवीज़ देखी है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और उनका जो करिश्मा है और जिस तरीके से उनकी एंट्री होती है फिल्म में या जो वो किरदार निभाते हैं ना वो एकदम दमदार होता है। और कहीं ना कहीं ऑडियंस और स्टार का जो कनेक्शन होता है ना वो ईजिली आप उनकी मूवी देखोगे तो आपके अंदर फीलिंग आएगी, हाँ भाई ये हमारा एक स्टार है। और उसके अलावा ये मूवी डिजर्व करती है पैन इंडिया रिलीज़ होने की, लेकिन शायद मेकर्स को ऐसा लगा होगा कि फिलहाल पहले देखते हैं कन्नड़ा और तेलुगु में, अगर यहाँ पर ऑडियंस का अच्छा खासा रिस्पांस आया और अगर डिमांड आती है कि भाई इसको हिंदी में रिलीज़ करो तो शायद ये मूवी हमें थिएटर्स में तो नहीं मगर हाँ कोई OTT प्लेटफॉर्म में हिंदी में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। हालांकि मैं मुंबई में रहता हूँ, अगर यहाँ पर ये मूवी कन्नड़ा और तेलुगु दोनों ही लैंग्वेज में रिलीज़ होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार मुंबई में रहता तो ये दो जो लैंग्वेज है ना यहाँ पर बहुत कम थिएटर्स में देखने मिलेगी। वही पॉपकॉर्न मंकी टाइगर जब रिलीज़ हुई थी ना तो उस वक्त भी क्या हुआ था, कुछ 10-12 थिएटर में रिलीज़ हुई थी। मैम 10-12 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया यार, मुझे मेरे घर से काफ़ी दूर जाके देखना पड़ा था वो मूवी। तो शायद मुझे लगता है कि भाई चैलेंजिंग स्टार दर्शन की मूवी भी गोरेगांव या कई दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी मुझे देखने को मिलेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस पर्टिकुलर मूवी को देखने का। और मैं जितना एक्साइटेड हूँ आई होप आप लोग रॉबर्ट के लिए उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि अगर आप एक तरफ लोग KGF चैप्टर 2 या विक्रांत रोना की बात करो, पुगारू की बात करो या बजरंगी 2 की बात करो, तो दूसरी तरफ रॉबर्ट भी एक ऐसी मूवी है जो मेरे ख्याल से अंडरडॉग मूवी है, जो जैसे ही रिलीज़ होगी ना लोगों को पता चलेगा कि भाई ये मूवी किस लेवल की है। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों से इतना बोलूँगा कि यार ये मूवी आपको मार्च 11th को देखने को मिल जाएगी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में और कल 3 फरवरी को इसका तेलुगु वर्जन का टीज़र देखने को मिलेगा। तो आप देखते हैं कि टीज़र देख के तेलुगु ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल तो होप फॉर द बेस्ट। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये अजीब सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगा तो पूरे कर्नाटक में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन